आज एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, मतलब बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर ये वीडियो वही देखेंगे जो असल में सच्चे भक्त हैं, भक्त कह लो या फैंस कह लो, उस इंसान के जो 9 महीने अभी जेल में काट के आया है। जी हाँ, हालांकि कुछ लोग अब मुझे भी ये कहेंगे कि फॉलोवर्स पाने के लिए वीडियो बनाना था ये वगैरह वगैरह। अगर मैं चाहता फॉलोवर्स गेन करने के लिए तो पहले भी बना सकता था, मैं पहले बनाना चाहता था, मैं सपोर्ट करना चाहता था, पर मैं नहीं कर पाया। तो बेसिकली कई मुद्दे उठे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर राजवीर सिसोदिया की। जी हाँ, राजवीर फिटनेस सीरीज जिनके चैनल का नाम है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। राजवीर के ऊपर आज से 9 महीने पहले एक रेप का केस हुआ था, जो कि आप सभी को पता है, काफी सारे बयानबाजी हुई, कब काफी कुछ हुआ, उनके मदर फादर भी आए यूट्यूब के कैंप पर, बहुत दिक्कतें हुई, बहुत दिक्कतों का फासला, ये फासला बहुत लंबा था और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बात कहाँ आती है, कहाँ अटकती है, कैसे अटकती है, ये किसी को नहीं पता है, पर यार इस दुनिया में आज के टाइम पर किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी का भी भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो कई सारे पीछे कुत्ते आपकी पैंट खींचने में, आपकी टांग खींचने में पड़े रहते हैं। यही हुआ है राजवीर के साथ में, और इसी को लेकर हम आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि क्या आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा, उस माँ पे क्या बीती होगी, उस बाप पे क्या बीती होगी कि उनका एक बेटा 9 महीने जेल में रहके आया है। गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि हम अंधविश्वास कर लेते किसी का भी, और अंधविश्वास में अक्सर ऐसा होता है कि हम उसका भला भी करते हैं, निस्वार्थ भला करते हैं और हमारा बुरा हो जाता है, ऐसा अक्सर होता है। राजवीर ने भी शायद ऐसा ही कुछ किया होगा, मैं पूरे मुद्दे जानता नहीं है, पर हाँ मैं इतना जानता हूँ काफी ज्यादा वो भलाकार इंसान है, भलाई के मामले में वो हमेशा आगे रहता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके ऐसा इंसान किसी का बुरा नहीं सोच सकता, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। मैं ये वीडियो को बहुत पहले तक बनाना चाहता था पर मैं नहीं बना पाया, इसका रीजन ये था कि लोगों के कमेंट्स काफी आते हैं कि देखो फॉलोअर्स गेन करने के लिए राजवीर भाई को टारगेट किया, ब्ला 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 ब्ला, जो भी है। देखो राजवीर से भी पहले हूं मैं यूट्यूब पर मैं काफी रेगुलरिटी में नहीं देता था, क्योंकि हम जॉब पर्सन हैं, ऑफिशियल हमारा जॉब भी रहता है, ठीक है, हम आगे की स्टडी भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी है, सब कुछ करते हैं, हमारा इतना टाइम नहीं था मेरे पास, पर हाँ फिटनेस का कीड़ा था, मैं राजवीर से भी काफी पुराना यूट्यूब पर इसी चक्कर से मैं रेगुलर नहीं हो पाता था और फॉलोअर्स के अंदर काफी दिक्कत आती थी, पर मैं उसका माइंड नहीं करता था, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे मन में जो आता था मैं आप लोगों से शेयर करता था, और इसलिए आज की जो बात है ये काफी मेरे को बहुत हर्ट करी जब मैंने वीडियो देखा, राजवीर 9 महीने बाद आज जेल से आया है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, सिर्फ एक फेक केस के ऊपर, एक पुख्ता सबूत भी नहीं था राजवीर के ऊपर, जब राजवीर के माँ बाप ने उसके अगेंस्ट कुछ पूछना चाहा तो उसका जवाब भी नहीं आया। मैं पूरी बात नहीं कहूंगा या फिर क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, आप उनके वीडियो पे जो भी है, कफोर शेख करके अभी एक है यूट्यूबर, जिन्होंने यूट्यूबर नहीं कह सकते, उनके साथी ही है, मे बी अ टीम मेंबर, उन्होंने एक वीडियो डाला था उनके राजवीर फिटनेस के अंदर और वो मैंने देखा, उसी से प्रभावित होकर के मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी जस्टिस दिलाएं राजवीर, वी ऑल आर फ्रॉम अ सेम इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री, क्यों हम किसी को जस्टिस नहीं दिला सकते। पब्लिक अगर एकजुट हो जाए, यूट्यूबर सब अगर एकजुट हो जाए तो सही मायने में उसको जस्टिस मिल सकता है, पर नहीं, सब अपना सोचते। गाइज, आज ये राजवीर के साथ में हुआ है, कल किसी और के साथ में हो सकता है, आपके साथ में हो सकता है, हमारे साथ में हो सकता है, मेरे साथ में हो सकता है, कितना फेस करोगे, मत करो ये फेस, एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखो, एक दूसरे की टांग खींचना मत सीखो, जब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो अनेक लोग पीछे से भौंकते, एक टाइम था हिंदुस्तानी भाव का एक डायलॉग है, क्या होता है मालूम है, जब आपका नाम होता है ना तो फिर रिश्ते भी वैसे ही बनते हैं, और जब आपका नाम खराब होता है तो खुद के रिश्ते छोड़ के भाग जाते हैं, तो चलते रहता है दुनिया है, तो ध्यान नहीं देने का, पहला चलता था कि रास्ते पे जो कुत्ते भोंकते हैं तो उनके ऊपर पत्थर मत मारो, आज नहीं वैसा करने का, आज जेब में 200 रुपये का बिस्किट लेके निकलने का।
कुत्ते भूखेंगे ना तो एक एक बिस्किट फेंकने, ऐसा ये दुनिया ही चलते रहते, मेरे को टेंशन नहीं लेता। पर ऐसा अक्सर होता है कि जब ये रेप के केस या इस तरीके के अगर केस आते हैं तो पब्लिक सिर्फ जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है झूठा हो सकता है नो, लेकिन हाँ मोस्टली झूठा होता है, तब इंसान जितना परेशान होता है वो वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर वो झूठा केस लगाया है। आज वो राजवीर ही जान सकता है कि उस पर झूठा केस लगाया गया जिसकी वजह से वो 9 महीने जेल में आके आया, जेल में रह के आया है। और ये इंडिया यहाँ पर तो सिर्फ यही होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तो यही होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पर इंसाफ मिलने में महीनों लग जाते, सालों लग जाते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दफर शेख ने उनके चैनल पे एक वीडियो डाला था जस्टिस फॉर राजवीर सिसोदिया, मैं उसका हैशटैग डालूंगा और इस हैशटैग को भी आपको चलाना है अच्छे से। हम सभी को राजवीर को सपोर्ट करना है, राजवीर को जस्टिस दिलाना है, क्योंकि हम सभी को पता है राजवीर जैसा इंसान मेरे ख्याल से तो जितना मैं समझता हूँ कि किसी ने किसी लड़की के पीछे भागेगा नहीं, राजवीर जैसा इंसान वो आप भी जानते हो। हाँ, पर किसी को उसकी वजह से अगर कमाई हुई है तो वह लोग हैं जिसने उसके ऊपर केस किया है, जो काफी गलत था। कितने कमा लिए, 10 लाख 20 लाख कितने कमा लिए होंगे राजवीर से, और कितने साल चल जाएंगे वो पैसे, ऊपर वाला तो देख रहा है। जितना हो सके इस हैशटैग को चलाओ, जस्टिस फॉर राजवीर सिसोदिया, और हो सके तो सपोर्ट करो राजवीर को, जितना हो सके सपोर्ट करो, हम सब साथ में हैं। राजवीर को मैं यही कहना चाहूंगा, राजवीर को मैं ये वीडियो टैग करूंगा, बिल्कुल हैशटैग डालूंगा राजवीर के ऊपर। उनके सभी फैंस से मैं रिक्वेस्ट करता हूं राजवीर को जस्टिस दिलाने के लिए आगे बढ़ो, और हो सके जितना मुझे आप वीडियो बना के, अपने वीडियो बना के भेज सकते हो, मैं उन सभी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। मैं सभी राजवीर के सभी फैंस से ये रिक्वेस्ट करता हूं, और जितना हो सके सपोर्ट करो। आज ये किसी के भी साथ हो सकता है, कल को आपके साथ ना हो, इसलिए याद रहे आज जिसके लिए आप खड़े होगे कल आपके लिए वो खड़ा होगा। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा मेरे ख्याल से लंबा हो गया होगा, टॉपिक नहीं कह सकते, ये भावनाओं का टॉपिक है, भावनाओं है इसके अंदर काफी, जो कि आप देख रहे हैं अभी। ये कोई फॉलोअर्स का वीडियोज नहीं क्रिएट कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ एक सिर्फ और सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री में एक भाई है जिसको हम भाई कह सकते, वैसे तो हम उम्र का है उनका, जिसको हम भाई कह सकते हैं, बस जिसे मैं ना मिला हूं कभी, ना मैं जानता हूं, ना कभी बात हुई, फिर भी उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं। उसका रीजन यही है, बिकॉज वी आर फ्रॉम फिटनेस इंडस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।